हेलो दोस्तों, तो आज हम बनाने जा रहे हैं टमाटर की मीठी चटनी। उसके लिए मैंने आधा किलो टमाटर लिया है, जिसे मैंने अच्छे से धो लिया है। और ये हमारी किशमिश है, और ये हमारा 50 ग्राम चीनी है, और ये हमारा आधा चम्मच जीरा है, एक तेज पत्ता है। तो चलिए सबसे पहले हम टमाटर को काट लेते हैं। टमाटर को हम ऐसे ही ज़्यादा बारीक नहीं, रफली चॉप कर लेना है। यहाँ का पोर्शन हटा दे, क्योंकि यहाँ का जो पोर्शन होता है कड़ा होता है। और इसे ऐसे ही रफली चॉप करना है। चटनी बनाने के लिए हमें थोड़ा सॉफ्ट वाला ही टमाटर लेना है, ज़्यादा कड़ा टमाटर नहीं लेना है। मैंने सारे टमाटर को काट के एक प्लेट में निकाल लिया है। तो चलिए अब इसे हम बनाते हैं। हमने अपनी कढ़ाई चढ़ा ली है, और इसे थोड़ा गर्म होने दें। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। इसमें हम 3 चम्मच तेल डालेंगे। हम सरसों तेल डाल रहे हैं, आप जो तेल खाते हैं वही तेल डालें, घी का इस्तेमाल ना करें। तेल को गर्म होने दें। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें अपनी जीरा, जो आधा चम्मच हमने लिया है, उसे डाल देंगे। ये तेज पत्ता है जो एक मैंने लिया है, इसे तोड़ के डाल लें। जीरे का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें अपनी टमाटर डाल देंगे। और इसे चला ले। इसे हम ऐसे ही 5 मिनट तक मीडियम आंच पे चलाते रहेंगे। चलाते चलाते हमें 5 मिनट हो चुके हैं, टमाटर हमारे गलने शुरू हो गए हैं। अब हम इस स्टेज पे आधा चम्मच से भी कम नमक डालेंगे। मीठे में नमक हल्का सा जरूर डालें, उसका टेस्ट बढ़ जाता है। साथ में ही हम अपनी चीनी डाल लेते हैं। चीनी की मात्रा आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। टमाटर में अपना मिठास होता है, इसीलिए ज़्यादा चीनी की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसमें हमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है। देखिए ये पानी छोड़ने लगा। अब हम इसे ढक देते हैं, और ऐसे ही जब तक टमाटर हमारे सॉफ्ट ना हो जाएं, तब तक हमें ढक ढक के पकाते रहना है और चलाते रहना है। 5-5 मिनट के अंतराल में हमें अपनी चटनी को चलाते रहना है और चेक करते रहना है। फिर से इसे हम ढक देते हैं। टमाटर हमारे हल्के सॉफ्ट होना शुरू हो गए हैं। इसे हम थोड़ी देर तक और पकाएंगे। इसे हमें पूरा सॉफ्ट एकदम करना है। फिर से हम इसे ढक के छोड़ देते हैं। हम अपनी चटनी को चेक कर लेते हैं। हमारे
टमाटर अच्छे से गल गए हैं, देखिए। अब इसे थोड़ा सा ऐसे ही कढ़ाई को पकड़ के हम ऐसे करके इसी में मैश कर लेंगे। चटनी हमारी बनके तैयार हो गई है, तो चलिए इसे हम उतार लेते हैं। मैंने इसे उतार लिया है, देखिए कितने अच्छे हमारे टमाटर की चटनी बनके तैयार हुई है। अब इसमें हम अपनी किशमिश डाल लेते हैं। किशमिश डालना ऑप्शनल है, तो चलिए हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, और यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छे लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है।